इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी पेटीएम शेयर के बारे में, जहां पे अभी के टाइम में शेयर आपको ट्रेड करते हुए नजर आएगा 342 के प्राइस पे। 0.36% की गिरावट आज के दिन हमें स्टॉक में यहाँ पर देखने को मिला है 16 मई को आप देखेंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस क्या रहा, 1.79% का गिरावट। पिछले एक महीने में अगर हम बात करेंगे तो 12% की गिरावट में स्टॉक आपको नज़र आएगा। पिछले 6 महीने में 61% का गिरावट, मतलब लगातार गिरावट ही गिरावट हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिला था और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था इस चीज़ के बारे में, जहाँ पे कि कोई भी स्टॉक में अगर लगातार गिरावट हो रहा हो तो एक ऐसा नहीं होता है कि लगातार गिरावट ही होगा, या फिर कोई भी स्टॉक में लगातार अगर तेज़ी हो रहा हो तो ऐसा नहीं होता है कि लगातार तेज़ी ही होगा। एक अगर गिरावट हो रहा हो तो रिकवरी कुछ परसेंट का थोड़ा होता है, उसके बाद गिरावट होना हो तो फिर गिरावट होगा लेकिन रिकवरी थोड़ा होता है। वैसे ही अगर तेज़ी हो रहा हो तो फिर थोड़ा करेक्शन भी होता है और फिर भले तेज़ी होगा वो अलग की बात है। जैसे HCL की अगर हम बात करें, आज के दिन में 10% का सर्किट लगता हुआ नजर आया है, तो वहीं हमें वहाँ पर देखने को मिलता है एक ज़बरदस्त तेज़ी रहेगा, एक 42 वीक का काफ़ी ऊपर फ्रेश हाई लगाएगा, फिर थोड़ा करेक्शन होगा कुछ 100 पॉइंट्स का ऐसे करेक्शन होगा, नीचे आएगा और फिर एकदम मतलब कह सकते हो कि बड़ा फिर एक से हाई लगाएगा उसको ब्रेक करके ऑल टाइम हाई को। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए मार्केट में। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि एकदम से किसी भी स्टॉक में लगातार गिरावट हो रहा हो, थोड़ा रिकवरी देखने मिल जाए, तो इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्की वाला जोन होता है, या फिर लगातार तेज़ी हो रहा हो और वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो पीक पे। और ये बात मैंने आपको किस वीडियो में बताया हुआ था, तो राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड, जो कि सेम टू सेम यही परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहा है पेटीएम की तरफ। और पेटीएम की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको ये भी बात आई थिंक बताया हुआ था पेटीएम वाले वीडियो में भी, कुछ मैंने हर वीडियो में तो नहीं बताया हुआ था बट कुछ वीडियोस में बताया हुआ था। अगर आपने देखा होगा तो सही से मालूम होगा आपको कि मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा उस बात को एक बार फिर से, अगर नहीं पता हो तो आप सुन लीजिए उसको, कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक में अगर लगातार गिरावट हो रहा हो तो जब तक स्टॉक एक स्टेबल कंडीशन में कुछ महीने तक ना आए, ऐसे स्टेबल, ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिरावट हो रहा हो थोड़ा तेज़ी होना स्टार्ट हो जाए बस अभी बाई कर लिए चलो अब तेज़ी होगा, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा गिरावट होता है फिर थोड़ा ऊपर अपर सर्किट लगते हुए नजर आता है, फिर बड़ा गिरावट होगा जो ऑल टाइम इसका लो बनाया हुआ था उसको भी ब्रेक करेगा, फिर थोड़ा रिकवरी होगा फिर ऑल टाइम लो होगा उसको ब्रेक करेगा। ऐसा काफ़ी बार होता है मार्केट में, काफ़ी बार नहीं बहुत बार होता है अगर हम देखें तो। और वहीं पेटीएम शेयर में हमें देखने को मिला, एक ऑल टाइम लो बनाया फिर थोड़ा ऊपर गया 400 के ऊपर गया, फिर अभी देख लो कहाँ पे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है 350 के नीचे, लगातार लोड सर्किट लगते हुए नज़र आया था। तो अब इसके ऊपर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। बात करेंगे यहाँ पे आज के दिन तो इंडियन मार्केट ऑलरेडी ऊपर ही हमें नज़र आया, अब देखेंगे यहाँ पे तेज़ी में ही क्लोजिंग दिया। और पेटीएम की अगर हम बात करेंगे तो उसका ऑल टाइम का जो लो है 52 वीक का 310 रुपये का लो है, अभी के टाइम में ट्रेड कहाँ पे कर रहा है 342 रुपये पे, मतलब कह सकते हो 32 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम लो से, मतलब ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आपकी अभी स्टॉक आपको। काफ़ी लोग बोलेंगे चलो ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है हम बाई कर लेते हैं फिर कुछ बिगड़, अब यहाँ पे दो चीज़ें होगा, या तो यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिले वो अलग की बात है, उसका चांस मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जब तक कंपनी का बिजनेस जब यहाँ पे बंद हुआ है कुछ यहाँ पे, तो जब तक सब चीज़ें यहाँ पे सही होते हुए नहीं नज़र आएगा, जब तक स्टेबल कंडीशन में स्टॉक नहीं नज़र आएगा तब तक मेरा कोई ओपिनियन यहाँ पे बनता नहीं है। और बाई चांस चलो तेज़ी देखने को मिल भी गया तो उसके लिए मेरे को कोई पछतावा नहीं होगा, बिकॉज़ यहाँ पे जहाँ पे मैं 100% मतलब 100% तो कोई श्योर नहीं हो सकता है कि तेज़ी ही तेज़ी होगा, बट जहाँ पे मेरा सिक्योरिटी ज़्यादा होता है मतलब कि फंडामेंटल बेसिस को लेके या फिर जो भी मार्केट के सेंटीमेंट है उसको लेकर कि हमें कहाँ पे तेज़ी देखने को मिलता है कहाँ पे गिरावट, वहीं पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो अलग की बात है। बट अभी जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। अब आपने कितने के प्राइस पे बाई किया है पेटीएम शेयर में नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में पेटीएम से रिलेटेड, तो आज का परफॉर्मेंस क्या रहा उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे, तो आज के दिन तो सबसे पहला बात कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। अब गिरावट के बाद भी मतलब कह सकते हो कि डिलीवरी परसेंटेज क्या रहा 63.99%, मतलब कह सकते हो कि ज़बरदस्त बाइंग चल रहा है। अब गिरावट हो या फिर तेज़ी हो मतलब ज़बरदस्त बाइंग चल रहा है पेटीएम शेयर में, भर भर के लोग मार उठा रहे हैं
आप यहाँ अभी अभी देख लीजिए, 64% लगभग लगभग डिलीवरी माल उठाया गया है, 63.99% का परसेंटेज ऑफ डिलीवर क्वान्टिटी गया है, 63.99%। बाई क्वान्टिटी आप देखेंगे यहाँ पे 376 क्वान्टिटी बाई साइड में मोड का लग चुका है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। नेक्स्ट और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आज के दिन तो गिरावट, पिछले ट्रेडिंग सेशन में तेजी था, उसके पहले लगातार 2 दिन गिरावट था, उसके पहले फिर तेजी था 2 दिन, उसके पहले मतलब उसके पहले क्या था लगातार अपर सर्किट 2 दिन, अब उसके पहले क्या था लगातार लोअर सर्किट, मतलब ये आप समझ रहे हो ना, लगातार कह सकते हो 3 दिन, फिर उसके पहले 3 दिन फिर गिरावट और था, मतलब 6 दिन गिरावट, उसके पहले फिर 3 दिन गिरावट था, 9 दिन गिरावट, उसके पहले 1 दिन तेजी था, उसके पहले फिर 3 दिन गिरावट था, ऐसे लगातार माहौल में, मतलब एकदम से लोअर सर्किट लग रहा है फिर एकदम से अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जा रहा है। अब इस माहौल में आप सोच रहे हो मैं बाई करके प्रॉफिट उठा लूँ, तो चांसेस बहुत कम होता है यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जब तक स्टॉक कोई स्टेबल कंडीशन में, अब देखो यहाँ पे कितने महीने तक स्टेबल कंडीशन में आपने इसको देखा, पेटीएम को अगर हम बात करेंगे तो कितने महीने तक आपने स्टेबल कंडीशन में देखा, मैंने आपको पहले भी स्ट्रेटजी ये बताया हुआ है कि जब तक जब कोई स्टॉक स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन उसको कहते हैं जो कि अभी ये अदानी टोटल गैस ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, मतलब लगभग लगभग तो कह सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा हलचल है वहाँ पे, वोलेटिलिटी थोड़ा हाई रहता है, ये चीज़ यहाँ पे वो एक कौन से अकॉर्डिंग है कि वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहता है अदानी ग्रुप के शेयर में, तो वो वाला एक रिस्क वाला जोन आता है निकल के, बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल नज़र आ रहा है। IRCTC मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा था पिछले कुछ दिनों तक अगर हम बात करें यहाँ पे, उसके बाद एक तेज़ी लगातार हमें देखने को मिला, और फिलहाल अभी भी कह सकते हो कि स्टेबल कंडीशन में ही उसको आप एक कंसिडर कर सकते हो फिलहाल अगर हम बात करेंगे। अब आपके अकॉर्डिंग क्या नज़र आ रहा है सभी शेयर्स में नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बात करेंगे लेवल्स के बारे में जो कि अगले ट्रेडिंग सेशन में आप ध्यान दीजिएगा उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है तो सबसे पहला जो लेवल रहेगा हमारे डाउन साइड के लिए, सबसे पहला लेवल 339 का लेवल, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल दोस्तों अगर हम बात करेंगे वो हमारा कुछ इतना का लेवल रहेगा 334 का लेवल, डाउन साइड में आप ध्यान दीजिएगा अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है तो, ये काफ़ी मतलब कह सकते हो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स नज़र आ रहा है 331 का भी लेवल, तो ये 3 लेवल डाउन साइड में अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है तो आप ध्यान दे सकते हो अगर हम बात करें अभी पेटीएम शेयर में। अगर आपको तेजी देखने को मिलता है तो सबसे पहला लेवल 346 का, इसको अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड में नेक्स्ट लेवल दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो हमारा 350 का लेवल रहे, और इसको भी अगर ये ब्रेक करता है तो फिर लास्ट में आप 360 के भी लेवल पे ध्यान दे सकते हो आने वाले सेशंस में। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए तो आप ये दोनों पे ध्यान दीजिएगा, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए 360 के आसपास भी ध्यान दे सकते हो अगर तेजी ज़्यादा होता है तो, अदरवाइज इग्नोर इट। बाकी अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ध्यान दे सकते हो पेटीएम शेयर में। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। और चलिए आज के इस वीडियो में कुछ इतना ही, मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में किस दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, और दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।